वाह 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 वा। इस बार आलू की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। अब जल्दी जल्दी इन सब को बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। अरे ओ राव भैया, राव भैया, इस बार आलू हुए हैं ना? हाँ हुए ना, आलू बहुत अच्छे हुए हैं। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छे आलू हुए हैं। अभी बाजार में आलू की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमत भी ज्यादा है, और पास वाले गांव से भी तो आलू नहीं आ रहा है। हमारे आलू बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। हाँ मलय भाई, हाँ। दत्त, मैंने सोचा सारा लाभ सिर्फ मुझे मिलेगा, पर ऐसा नहीं है दत्त, मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। सुनती हो, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, बाजार भी जाना है। देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं हमारे खेतों में। अरे हाँ, सही कहा आपने, कितने सुंदर आलू हैं, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जी। हाँ वो तो होंगे ही, पर इस बार मलय के खेत में भी अच्छे आलू हुए हैं। हुए हो तो क्या हो, आप जाइए बाजार जाइए। जाता हूँ। अरे राव भैया, आ गए आप। हाँ भाई, आलूओं को तो बेचना भी होगा ना। वो तो करना ही होगा, आलू तो हमने बेचने के लिए ही उगाए हैं ना। आलू कैसे किलो है भाई? 30 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा। आलू की कमी हो गई है भैया, तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। चलिए आपकी बोहनी तो हो गई। अरे कितने किलो तौल दूं? 1-2 किलो दे दो। चलिए आज तो सब खत्म हो गए, क्या कहते हैं? आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ भाई, कल फिर आऊंगा, आप आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा, आना तो पड़ेगा ही भाई, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। एक उपाय सुझा है मुझे। हाँ मले, देखना मैं क्या करता हूँ कल। रीना कहाँ हो, खाना बन गया है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बन गया है, जरा देखो तो आज कितने पैसे मिले हैं। हाँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। कल फिर से जाइएगा। हाँ आ जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, पर जानती हो मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय जी? बाजार में आलू की बहुत मांग है, और पास के गांव से भी आलू नहीं आएंगे। इस गांव में आलू के किसान बस मैं और मलय है। अगर मैं और मलय के खेत के सारे आलू निकाल लूं और वो सब अपने पास रख लूं, तो फिर इस गांव में सिर्फ मेरे पास ही आलू रहेंगे, समझी? और उसके बाद जब बाजार में आलू के लिए हाहाकार मचेगा, तब मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर आलूओं को बेचूंगा, क्या कहती हो? हाँ तुम्हारा ख्याल क्या है, कैसा लगा मेरा उपाय? ये क्या कह रहे हैं आप, उपाय तो अच्छा ही सूझा है आपको, पर इसके लिए चोरी करेंगे आप? अरे चुप करो चुप करो। अरे चोरी नहीं, चोरी मत कहो इसे, व्यापार कहो, व्यापार, समझी रीना? व्यापार, समझदार पत्नी समझ गई। हाँ हाँ हाँ, व्यापार व्यापार, पर कब करेंगे? जो करना है वो आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना वो कल भी आलू निकाल कर बेचने जाएगा। खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा, साथ ही साथ अपने खेतों के आलू भी निकाल लूंगा, ताकि वो मुझ पर शक ना कर सके, है ना? ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो रहा मलय का खेत। चलो चुपचाप चलो, सारे आलू निकाल कर बोरी में भरने पड़ेंगे, उसके बाद अपनी जमीन के आलू भी निकालने पड़ेंगे, समझी?
हमने सारे आलू निकाल लिए। अरे बाप रे, थक गई। आलू निकालते निकालते हालत ही खराब हो गई। ये सही कहा है तुमने। अब चलो चलो जल्दी से ये सब लेकर घर चलो। चलो चलो जल्दी। इन बोरियों को कहाँ छुपा कर रखा जाए जरा बताओ तो। रसोई के बगल वाला कमरा खोल देती हूँ, वही छुपा कर रख दीजिए। गया, पर कल सुबह क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा, बस अब सिर्फ सुबह होने की प्रतीक्षा है। हाय हाय, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? किसने ऐसा किया? सब खत्म हो गया रे। आए हाँ। अब आया है ये पकड़ में। सब खत्म हो गया। जाता हूँ, अब मुझे भी अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई? राम भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए ना, किसी ने मेरे और आपके खेतों के सारे आलू चुरा लिए हैं। देखिए ना, सारे चुरा लिए। क्या कह रहे हो ये? हाय 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 हाय, किसने किया ऐसा? किसने किया होगा? हमारे पेट पर लाठी मारकर उसे क्या मजा मिला होगा? हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। वही मैं भी सोच रहा हूँ भाई, पर एक बात जरूर कहूँगा, जिसने भी आलू चुराए हैं वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कह देता हूँ मैं, आप देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। मले, वो आलू लेकर कितना सुखी है ये तू कैसे जानेगा भाई? राम भैया, क्या आप आज बाजार जाएंगे? हाँ? नहीं नहीं रे, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जियां लेकर, आज नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, यही सही है। चलिए अब घर चलते हैं। चलिए चलिए। कल बाजार नहीं आया था, मतलब आलू भी नहीं आए। आज आलू की कितनी मांग है जरा देखूं तो। अरे रामू भाई, आलू है क्या? नहीं, आलू तो जरा भी नहीं है। पता नहीं कल से क्या हुआ है, आलू मिल ही नहीं रहे हैं। कहां से आलू लाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब परवल ले जाइए ना, परवल। आलू चाहिए भाई, आलू। अरे वाह, आलू की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घर जाकर रीना को ये खबर सुनानी पड़ेगी। ये क्या, आज सब्जियां नहीं बिकी क्या? बेची नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने के लिए गया था। आलू की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है रीना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उस मलय किसान ने फिर से आज खेतों में आलू के पौधे लगाए हैं। लगाने दो उसे, मेरे पास जितने आलू है उससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मुझे अब आलू की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। हाँ, फिर एक सप्ताह के बाद बाजार जाकर देखूंगा कि आलू की मांग कितनी है। हाँ। ए जी, उठिए ना जी, आज एक सप्ताह हो गए हैं, आप बाजार नहीं गए। आपने कहा था कि आज जाऊंगा। और यहाँ क्या हुआ? जाता हूँ आज कुछ सब्जियाँ लेकर बाजार जाता हूँ, और आलू की मांग बढ़िया कि नहीं देख कर आता हूँ। भैया, आलू है क्या? आलू नहीं, दूसरी सब्जियाँ है भाई। दूसरी सब्जियाँ तो सभी के पास है, पर मुझे आलू चाहिए। कल पास के गांव से कुछ आलू आए तो थे, पर 45 रुपए किलो, पर आधे के साथ ही खत्म हो गए। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे वाह, होने दो होने दो।
समझी रही ना, बाजार में आलू का भाव 45 रुपए हो गया, 45। तो क्या आप अभी बेचेंगे नहीं आलू? अरे अभी नहीं, और थोड़ी कीमत बढ़ने दो, फिर से 1-2 हफ्ते के बाद बाजार जाऊंगा, समझी। लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं पर एक भी आलू नहीं मिला। हाँ भाई, आलू के लिए मन बहुत बेचैन हो गया है, चाहे कितना भी महंगा हो पर आलू आते ही खरीदूंगा, वरना घर वाली चैन नहीं लेने देगी मुझे। अरे रामू भाई, आप तो आजकल बाजार में नजर ही नहीं आते हैं, क्या आपके पास आलू है? जी अभी तो नहीं है, पर लाकर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगे हैं। अरे महंगा होगा तो क्या हुआ, तुम ले आओ। ठीक है ठीक है, मेरे पास कुछ आलू है, मैं घर जाकर ले आता हूँ, पर एक ही भाव है, 70 रुपए, 70 रुपए किलो है भाव, वही देना पड़ेगा भैया। जो भी भाव हो तुम ले आओ, हम सब यहीं हैं। टीना समय आ गया है, दरवाजा खोलकर आलू निकालना पड़ेगा, 70 रुपए में बेचूंगा मैं, 70 रुपए में। हाँ। क्या सच में? तो जल्दी जल्दी चलिए। अरे अरे ये सब क्या है, इतने सारे चूहे, ये चूहे कहाँ से आ गए? आलू आलू, अरे ये क्या हो गया, मेरा कितना नुकसान हो गया, सब खत्म हो गया। अरे क्या हो गया, सब खत्म हो गया। राम भैया, ओ राम भैया, बाजार चलेंगे क्या? मेरे जमीन में नए आलू हुए हैं, वही लेकर जा रहा हूँ, चलिए चलिए। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है फिर मैं अकेले ही जाता हूँ। अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं हुआ होता, बहुत बड़ी भूल हो गई।